राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जोश और खरोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विनय शर्मा द्वारा एक संकल्प दिवस के रूप में रात्रि भोज का आयोजन किया गया। बाबरपुर की अनूप वाटिका में कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश लिलोठिया, पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद और क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता और सभी लोगों ने मिलजुल कर इसका आनंद लिया। इसमें काफी तादाद में कार्यकर्ताओं में 15 साल जोश के अपने देखा गया। कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थी तो दिल्ली का चहुंमुखी विकास किया था, मेट्रो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एजुकेशन, मेडिकल, सब चीजें उस वक्त में शीला दीक्षित जी के समय में आपने देखा कि वर्ल्ड क्लास थी। लेकिन पिछले 5 साल में ये विकास रुक गया। आज लोगों को उस चीज़ की तकलीफ है, उसका दर्द है कि जो कांग्रेस पार्टी के समय में जो विकास हुआ था वो रुक गया और इन लोगों ने झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर उनके जज्बातों के साथ खेलकर सरकार बनाई दिल्ली में। और उस सेम उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाई अपने जुमलेबाजी के आधार पर। आज लोग, नौजवान, किसान, दलित, मुस्लिम, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से भी और आम आदमी पार्टी से भी परेशान हैं और वो एक बदलाव चाहते हैं और उसी चीज़ का संकल्प आज विनय शर्मा जी ने और उनके साथियों ने, उनके दोस्तों ने यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को भगाना है और कांग्रेस पार्टी को लाना है। महागठबंधन के ऊपर मोदी जी कह रहे हैं कि इनकी शुरुआत में चाहे तो किसी का ये आप मोदी जी की तो बात मत कीजिए, किसी से भी पूछे जाकर कि मोदी की किसी बात पे कोई यकीन करता है तो मोदी जी की बात मत कीजिए, आप हमारे से कांग्रेस की बात कीजिए। आम आदमी पार्टी से निपटने के लिए क्या नई रणनीति बनाई आपने जो आने वाले चुनाव के लिए? देखिए, 15 साल का जो हमारा विकास था उसके लिए एक हम अपना पूरा तैयार कर रहे हैं आका और लोगों के पास में भेजेंगे कि ये 15 साल में हमने कांग्रेस पार्टी ने शीला जी के नेतृत्व में ये विकास किया था दिल्ली के लिए और पिछले 5 सालों में वो विकास रुक गया। विकास के नाम पे एक नई ईंट भी आम आदमी पार्टी ने नहीं लगाई है। वही काम जो शीला दीक्षित जी के समय में हुए थे उसका उद्घाटन जरूर केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर किया है लेकिन नया काम कुछ नहीं किया। कांग्रेस की जो गुटबाजी है उसे रोकने के लिए कांग्रेस कोई नया कदम उठा रही है? गुटबाजी हमारे में ऐसी कुछ नहीं है। कहीं पर देखिए किस तरीके का उत्साह आपको देखने को मिला। अभी जो हम लोगों ने चार्ज लिया शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में उस दिन आप देखिए कार्यकर्ताओं का कितना उत्साह था। हम लोगों में कोई ऐसी गुटबाजी नहीं। हाँ, वैचारिक कई बार डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी है हमारी पार्टी के अंदर, तो यहाँ पर अपने विचार खुले तौर पे रख देते हैं तो उसको गुटबाजी नहीं कहेंगे, उसको मैं हेल्दी डिस्कशन कहता हूँ, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन कहता हूँ। आज का दिन जो है 20 जनवरी 2019 इसको हमने डेडिकेट किया है संकल्प दिवस के नाम पे और इसमें जो संकल्प है वो बड़ा साधारण सा संकल्प है। हम नहीं चाहते कि मोदी अब अगला प्रधानमंत्री बने, हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी साहब प्रधानमंत्री बने। दिल्ली के अंदर DPCC में शीला दीक्षित जी से चार्ज लिया है ना, सदस्य बनकर के आई है। हम सब लोग मिलकर के एक टीम के रूप में उनके साथ अब नया बदलाव लेकर के आएंगे। आम आदमी पार्टी की जो भी कमियां हैं वो लोगों तक पहुंचाएंगे, बीजेपी की जो भी कमियां हैं वो लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारे बीच में हमारे दोस्त, हमारे लीडर राजेश लिलोठिया जी हैं, हमारे बीच में मोनिका मेहरोत्रा जी है। महिलाओं को भी यहाँ से ऊर्जा मिल रही है और नौजवानों को भी ऊर्जा मिल रही है और आप सब लोगों के माध्यम से सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि बदलाव टाइम बदलाव का आ चुका है और बदलाव आएगा। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दलित मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचा है, क्या 2019 चुनाव में आप अपनी तरफ खींच नहीं पाए? वो एक अंधेरा सा था, लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या सही है क्या गलत है। आज आप जाओ, सर्वे करो, गलियों में जाओ, घूमो, पता लग जाएगा आप लोगों को कि बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में क्या इमेज है। शीला जी के आने से एकदम से आपको ऐसा महसूस होगा कि परिवर्तन आ चुका है। आप इसी ग्राउंड में घूमिए, लोगों से बात कीजिए और उनकी ओपिनियन लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं। धन्यवाद। उन्होंने काफी हमारी हौसला अफजाई की और एक बार फिर उनके खैर मंगम के लिए मुद्दा दे।
प्रदीप सेन जी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं सेवा दल से जनता कॉलोनी से, हम उनका भी सर्वप्रथम करते हैं स्वागत है। राय साहब भी हमारे बीच में तस्वीर रखते हैं और आजाद साहब यमुना बिहार से वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता है, नाजिम भाई, नासिर भाई, इकरार भाई, मोहसिन मंसूरी साहब, तुम ये मेरा लिए तुम पहले नाजिम साहब, ए आर आजाद साहब, गनीर भाई, आफाब भाई,